हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस पेपर टू को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन है जिसमें सेक्शन कंटेन 8 क्वेश्चंस जिसमें है। सिंगल डिजिट इंटीजर है, आंसर 0 to 9 डिजिट में होना चाहिए। फॉर ईच क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम जो है +3 है करेक्ट ऑप्शन के लिए, इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए -1 है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 Na2SO4 इन ए सोल्यूशन इज 1 m एंड 1.8 × 10⁻²⁺ m रेस्पेक्टिवली। मोलर सोल्यूबिलिटी ऑफ द PbSO4 इन सेम सोल्यूशन इज दिस, एक्सप्रेस्ड इन द सिग्निफिकेंट नोटेशन। द वैल्यू ऑफ y, solubility product of PbSO4 1.8 × 10⁻⁶, Ka1 is very large and Ka2 is this। Dear students, questions को पढ़ते ही पता लग रहा है कि PbSO4 की molar solubility calculate करनी है in the presence of the common ion effect and common ion produced by the both H2SO4 and Na2SO4 and SO4-2 act as a common ion। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें SO4-2 आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी नहीं चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, H2SO4 जो आयोनाइज्ड होगा, ये अपने पास H2SO4 है, ये आयोनाइज्ड होगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या है, वेरी लार्ज है। इसका मतलब H+ एंड HSO4-, ये 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में 1 m था तो ये फाइनली 0 हो जाएगा, ये 1 m हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 1 m हो जाएगा। HSO4- का सेकेंड आयोनाइजेशन हम चेक करते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन में ये H+ + SO4-2 देगा और इसका जो Ka2 है अपने पास, Ka2 इक्वल टू ये हो गया अपने पास 1.2 × 10⁻², 1.2 × 10⁻²। Na2SO4 also act as a strong electrolyte, Na2SO4, तो ये जाएगा 2Na+ + SO4-2, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फाइनली ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 times ऑफ द 1.8 और ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻²। डी स्टूडेंट्स, यहां से 1 m था, ये फाइनली 1 - x हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, H+1 है, 1 + x आ जाएगा और ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻², प्लस क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। K2 जो अपने पास है, ये K2 अपने पास लिखा है H+SO4-2 / HSO4-. यहां से K2 है 1.2 × 10⁻², H+ हो गया 1 + x, SO4-2 हो गया 1.8 × 10⁻², प्लस x और ये हो गया 1 - x। इसे सॉल्व करें तो क्वाड्रेट इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेट इक्वेशन होगी x²+1.03x + 0.006 = 0। यहां से x की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू अपने पास आती है -0.00586। ये वैल्यू अपने पास x की आ गई। माइनस वैल्यू का मीनिंग है कि ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, बैक डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। तो अपने पास SO4-2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, SO4-2 की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास कितनी, माइनस कर देंगे x, माइनस कर देंगे 0.018 - 0.00586। तो यहां से SO4-2 की कंसंट्रेशन जो अपने पास मिलेगी वो मिल जाएगी 0.01214। ये अपने पास SO4-2 की कंसंट्रेशन मिलेगी। ओके डी स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 कैलकुलेट करनी है। PbSO4 की मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो PbSO4 की मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो Pb+2+SO4-2। इसके लिए जो KSP अपने पास गिवन है, KSP की वैल्यू अपने पास है 1.6 × 10⁻¹⁸। ये हो गया 1.6 × 10⁻¹⁸। इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी किसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगी? Pb+2 की कंसंट्रेशन से इक्वल होगी। बिकॉज SO4- सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 इज वेरी लो, सो SO4-2 मेनली ऑब्टेन बाय द H2SO4 एंड Na2SO4। ओके डी स्टूडेंट्स, तो यहां से KSP = Pb+2 एंड द SO4-2। यहां से हमने देखा कि अपने पास KSP कितना हो गया, 1.6 × 10⁻¹⁸ = Pb+2 और SO4-2 की कंसंट्रेशन कितनी आई थी, SO4 0.01214। ये हो गई अपने पास 0.01214। तो Pb+2 की कंसंट्रेशन जो अपने पास आ रही है, ये आ रही है 1.318 × 10⁻¹⁶। साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखा है तो 10⁻¹⁶ आ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स चेक करना, यहां पे अपने पास y की वैल्यू कितनी होगी, अपने पास y का मैग्नीट्यूड -6 हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, हां बिराओ, एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 0.1 मोल आयोनिक सॉल्ट इन 1.8 केजी ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। द सॉल्ट रिमेन 90% डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड बी 59.724 mm of Hg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 60 डिग्री इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड 60 mm of Hg। नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयोनिक सॉल्ट। डी स्टूडेंट, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन क्वेश्चन है, जो अपने CLC के मॉड्यूल्स में और CLC के क्लासरूम नोट्स में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। P0-PS/PS = I (Na)/NV। अगर अपने पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो P0-PS की जगह आप P0-V काम में ले सकते हो। यहां से हमें पता चल रहा है कि इट इज द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आप PS की जगह P0-V काम में ले सकते हैं। डी स्टूडेंट्स, P0 हो गया अपने पास 60 mm of Hg, PS अपने पास 59.724 अपॉन, यहां 60 mm of Hg लिख देता हूं बिकॉज ड्यू टू द वेरी डाइल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन, यह लिख देता हूं 60, एक्चुअल में डाइल्यूट नहीं होता थोड़ा, तो हम क्या लिख सकते थे 59.724 mm of Hg। आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सोल्यूट का 0.1 मोल डिसोल्व किया है इन 1.8 केजी ऑफ वाटर। 1.8 केजी का मतलब हुआ 10³ / 18। यहां से हमने आई कैलकुलेट किया इससे, तो आई की वैल्यू अपने पास आ गई 4.6 हो गई। अब हमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो α = होता है I-1/N-1। अल्फा दे रखा है 0.9, अल्फा दे रखा है 0.9 और आई की वैल्यू अपने को मिल गई 4.6 - 1/N-1। एन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द आयंस ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयोनिक सॉल्ट। ओके डी स्टूडेंट्स, तो यहां से एन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे मॉड्यूल्स में आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओके, CLC हर मंडे को IIT JEE का न्यू बैच स्टार्ट कर रही है, जिसमें किसी स्टूडेंट्स के अगर चॉइस की ब्रांच और चॉइस की
कॉलेज नहीं मिल रही है तो सीएलसी के साथ नेक्स्ट साल का टारगेट अचीव कर सकता है इमीडिएटली सीएलसी ज्वाइन करके. ओके नेक्स्ट चेक करते हैं. डी स्टूडेंट्स कंसीडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जेड एम अक्स एन. ओके सेकंड वाई यू एम वाई पी एंड थर्ड वी एम अक्स एन. लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्ट आर 250 एंड 440 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली. द वैल्यू ऑफ द एम एन एंड पी आपको गिवन करनी है. ओके डी स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पे यू एम एक्स पी और आप लोगों को वी एम एक्स एन इसकी मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस गिवन है. कोलराज लॉ से अपन जानते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती है वो आयन की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होती है. ये पर मोल में अपने को गिवन है तो फोर गिवन मोल जितने मोल अपने को मिल रहे हैं उतने मोल के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है. तो देखिएगा ये जो आयन है अपने पास डिसोसिएट होगा एम यू प्लस पी प्लस पी वाई माइनस है इसमें अपने पास आयोनाइज्ड हो जाएगा. ये जो आयन आयोनाइज्ड होगा एम वी प्लस एन और माइनस में आ जाएगा एन एक्स माइनस है इस आयन्स में एन एक्स माइनस एन माइनस एम इसमें अपने पास ये क्या हो जाएगा आयोनाइज्ड हो जाएगा. ठीक है तो हम इससे इक्वेशन बनाते हैं. अपने पास जो इसकी मोलर कंडक्टेंस 250 होगी ये 250 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा इससे केटाइन कितना मिलेगा एम यू प्लस पी मिलेगा तो एम तो ये मिलेगा और यू एम प्लस पी की कितनी हो गई यू एम प्लस पी की होगी 25. ये हो गया अपने पास 25 प्लस N9 इससे क्या मिलेगा N9 अपने को मिलेगा इससे पी वाई माइनस एम पी तो मिलेगा और वाई माइनस एम ये कितनी हो गई अपने पास 100 मोलर कंडक्टेंस हो गई. सेकेंड इक्वेशन बनाइएगा 440 अपने पास जो कंडक्टेंस मिली है अपने पास वो अपने पास किस किस के लिए हो गई वी एम तो m तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे नंबर ऑफ मोल्स m आएंगे और अपने पास v प्लस n की कितनी है v प्लस n की कितनी हो गई 100 अपने पास गिवन है प्लस n9 का नंबर कितना आएगा n आएगा और n9 है कितना अपने पास n9 है कौन अपने पास x माइनस m कितना हो गया अपने पास 80 हो गया ये अपने पास 80 हो गया. अब अपने पास यहां पे अननोन कितने हो गए डी स्टूडेंट्स एम पी और एन अननोन हो गए. थर्ड अपने पास इस आयन के लिए अपने को मोलर कंडक्टेंस गिवन नहीं है इस आयन के मोलर कंडक्टेंस के लिए अपने पास ग्राफ दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बिटवीन अपने पास ग्राफ गिवन है. तो डे बाई हकल इक्वेशन होती है मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस बी अंडर रूट सी. अपने पास यहां इंफॉर्मेशन गिवन है 339 है जब अपने पास मोलर कंडक्टेंस एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस बी अंडर रूट सी की वैल्यू अंडर रूट सी दिया है तो ये दिया 0.01 कंसंट्रेशन पे. सेकंड अपने पास 336 हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस बी अंडर रूट अपने पास दे दिया 0.04. इसको आप सोल्व करते हैं तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपने पास कितनी आ जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस
अपने पास आती है 340. किसकी आती है 340? Z M और X N की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आती है. ये किसके सम के इक्वल होगा? 340 इक्वल टू अपने पास आ गया, कितने आयन मिलेंगे? M आयन्स मिलेंगे और M आयन मिलेंगे और क्या हो गया? Z प्लस N अपने पास हो गया. Z प्लस N की कितनी हो गई अपने पास? Z प्लस N की अपने पास हो गई है 50. अपने पास 50 मिल गई. और सेकंड अपने पास कौन सा आयन मिला है? N X माइनस M मिला है. N X माइनस M मिला है. N तो पार्टिकल होंगे, X माइनस M की कितनी हो गई? 80 अपने पास ये हो गई है. डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग M और N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल्सो P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. M सोल्व कर रहे हैं तो M इक्वल टू 2 आ रहा है, N इक्वल टू अपने पास 3 आ रहा है और P इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. तो सम कितना हो गया? 4 और 3 7. टोटल सम कितना हो गया इनका? 7 हो गया. मींस P प्लस N प्लस M प्लस N, इनका सम कितना हो गया? 7 हो गया. तो कितना आंसर आ जाएगा? M प्लस N प्लस P कितना हो गया? 7 अपने प्लस इनका आंसर आ जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन बी. सेक्शन टू मैक्सिमम 4 ऑप्शन करेक्ट है, 1 or more than 1 टाइप के हैं, वही पार्शियल मार्किंग इसमें है. तो इसमें हम डिस्कस करते हैं 1 or more than 1 करेक्ट में. ओके डी स्टूडेंट्स, टू चेक द प्रिंसिपल मल्टीपल प्रोपोर्शंस ए सीरीज ऑफ प्योर बाइनरी कंपाउंड पी एम क्यू एन वर एनालाइज्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द टेबुलेटेड बिलो, करेक्ट ऑप्शन इज आर. कोई कंपाउंड फर्स्ट है, मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है. देखिएगा, अपने पास बोल रहा है कि कंपाउंड फर्स्ट है, उनमें पी और क्यू का मास परसेंटेज गिवन है, वेट परसेंटेज गिवन है और चार फॉर्मूले, चार अपने पास ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शंस में करेक्ट और इनकरेक्ट अपने को सिलेक्ट करना है. तो बोल रहा है, पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं. पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज 3 इज P3Q4, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 2 इज P3Q5. ओके डियर स्टूडेंट, सुनते हैं. अपने पास जो मास का रेशियो होना चाहिए वो तो थर्ड के लिए यही तो होना चाहिए मास का रेशियो. हम कहते हैं कि अपने पास P3Q4 बना, तो देखो 3 इंटू मास ऑफ P इंटू 4 इंटू मास ऑफ Q, ये P का मास हो गया और ये Q का मास हो गया. ये कितना होना चाहिए? 40/60 होना चाहिए, यही तो गिवन है. 0 से 0 कैंसिल, ये 2/3 हो गया. तो अपने पास एम पी और एम क्यू इनका रेशियो कितना आ गया? एम पी और एम क्यू का रेशियो आ गया 2/3 × 4/3. ये रेशियो आ गया अपने पास 8/9. ये रेशियो अपने पास 8/9 आ गया. चेक करते हैं सेकंड के बारे में. तो सेकंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? P3Q5 होना चाहिए. सेकंड के बारे में बात करते हैं. सेकंड के बारे में बात करें तो हम कहते हैं, सेकंड के बारे में अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर अपने पास X तो है एम पी और Y हो गया अपने पास एम क्यू, तो ये कितना होना चाहिए रेशियो? 44.4 प्लस 55.6 ये रेशियो होना चाहिए. अपने पास ये रेशियो अपने पास आ गया 4/5. ये रेशियो अपने पास हो गया 4/5. एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एम पी और एम क्यू का रेशियो, यहां से लिखते हैं 8/9 इज इक्वल टू 4/5. यहां से 4 से ये कितना हो गया? 2. तो एक्स रेशियो वाई कितना हो गया? एक्स रेशियो वाई अपने पास हो गया, अपने पास हो जाएगा 9/10. अपने पास हो जाएगा 9/10. तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए था? P 9 और Q कितना बनना चाहिए था?
10 बनना चाहिए सर, जबकि फॉर्मूला क्या बना है, P3O5 Q5, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने पास हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सिमिलर टाइप ऑप्शंस है, आगे के ऑप्शंस बड़े इजी ऑप्शंस मिलेंगे। इफ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड थर्ड इज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज थर्ड इज P3Q2, तो वही थर्ड के लिए अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द थर्ड इज P3Q2, वही लिखते हैं 3 × P3Q2 हो गया, तो 3 × MP मास ऑफ पी, एम पी अपॉन 2 × MQ, ये अपने पास हो जाएगा कितना हो गया 60 by 60, ये हो गया अपने पास 40 by 60, तो अपने पास ये जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया अपने पास 2 से कितना हो गया, ये 3 आ गया, तो एम पी और एम क्यू इसका रेशियो कितना हो जाना चाहिए, इसका रेशियो हो जाना चाहिए अपने पास, इसका रेशियो मिलना चाहिए 4 by कितना मिल रहा है, 4 by 9 मिलना चाहिए। अब सेकेंड ऑप्शन से रिलेटेड हमें बात कर रहा है वो देखना, इफ एटॉमिक, फिर क्या बात कर रहा है, एंड द एटॉमिक वेट ऑफ पी इज 20 देन द एटॉमिक वेट ऑफ क्यू इज 45, किसमें बात कर रहा है ये हम लोग चेक कर लेते हैं पी और क्यू के बारे में। ठीक है, एम पी और एम क्यू का रेशियो कितना होना चाहिए, 4 by 9 होना चाहिए, एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू, ये रेशियो 4 by 9 है, एटॉमिक मास पी का कितना कर दें 20 कर देते, ये 20 लिख देते हैं, तो एम क्यू कितना हो जाता है 20 × 9 / 4, 20 × 9, तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 45, तो ये ऑप्शन अपने पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, सेम एज हमें क्या करने, थर्ड चेक करना है और सेम ही क्या करना है, फोर्थ चेक करना है, चेक करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चेक करते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज 2 is PQ, 2 के बारे में डिस्कस करना है और 2 का फॉर्मूला क्या है, PQ होता है, तो चेक करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ PQ, मतलब मास एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए रेशियो, 44.4/55.6, ये होना चाहिए, मतलब एम पी अपॉन एम क्यू जो अपने को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 4 by 5। ठीक है, सेकंड के बारे में हमसे डिस्कस करना है, तो सेकंड के बारे में डिस्कस करना है, तो देन द इंपेरिकल फॉर्मूला इज फर्स्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला इज फर्स्ट की बात करते हैं, तो वही x × MP × y × MQ इज इक्वल टू कितना हो गया 1:1 हो गया। x और y कैलकुलेट करना है, अपने पास ये क्या हो गया × 4/5 × 1/1, तो x/y कितना हो गया 5/4, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा P5Q4, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन अपने पास हो गया, थर्ड ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, सेम एज अपने पास क्या करना है, फिफ्थ ऑप्शन चेक करना, फोर्थ ऑप्शन चेक करना है, इफ द एटॉमिक वेट ऑफ पी एंड क्यू आर 35, पी और क्यू का एटॉमिक मास 35 हो, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट इज द P2Q, अपने पास ये क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला ये बनेगा, क्या देखते हैं, x × MP × y × MQ, ये क्या होना चाहिए फर्स्ट के लिए 1:1 होना चाहिए, तो 1:1 होना चाहिए, x × y = अपने पास हो गया P के लिए 70/35,
इज इक्वल टू 1:1, ये आ गया 2। तो x अपॉन y इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 1:2 आ गया। y किसके लिए माना है, q के लिए, तो क्या होना चाहिए, p q2 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन क्या दिया है, p2 q। तो ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये भी इनकरेक्ट था, ये भी इनकरेक्ट था, ये और ये करेक्ट था। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं करेक्ट ऑप्शन अबाउट द एंट्रोपी। एंट्रोपी का इलेक्ट्रो से रिलेटेड करके बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिएगा, फॉर द रिएक्शन एम प्लस सॉलिड प्लस 2H प्लस इज इक्वल टू एम 2 प्लस एच 2 इफ द डी अपॉन डी टी टेम्परेचर कोफिशियंट इज आर अपॉन एफ एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज आर द एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज आर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑन दिस द टेम्परेचर रेंज। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले में फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर रहे हो तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 मिल रहे हैं। और डेल्टा एस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एन एफ इंटू डी ई सेल अपॉन डी टी, ये होता है। एन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, एफ की एफ हो गया, टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू अपने को गिवन है आर बाई एफ। तो अपने पास एफ से एफ कैंसिल, डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2R आ रहा है, गिवन कितना है R। तो ऑप्शन कैसा हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, द सेल रिएक्शन कंसंट्रेशन सेल हाइड्रोजन का, एंट्रोपी इज द ड्राइवन फोर्स फॉर दिस प्रोसेस, एंट्रोपी इस प्रोसेस को फेवर कर रहा है, ये अपने को बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एनोड पे अपने पास रिएक्शन हो रही है, हाफ ऑफ एच टू एच प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड पे अपने पास रिएक्शन हो रही है एच प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ ऑफ एच टू में कन्वर्ट हो रहा है। डी स्टूडेंट्स, यहां से चेक करना, हाफ ऑफ एच टू प्लस एच प्लस इक्वल टू क्या हो गया, H प्लस प्लस हाफ ऑफ H2, ये अपने पास 1 बार है और ये भी कितना है, 1 बार है। ये अपने पास एनोड की कंसंट्रेशन है, एनोड की कंसंट्रेशन होगी 0.01 है, कैथोड की कंसंट्रेशन है अपने पास 0.1 है। यहां से ई सेल चेक करते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन 1 लॉग एच प्लस एनोड का अपॉन एच प्लस कैथोड का, ठीक है। यहां से जो एच प्लस 10^-2 ये वाला एच प्लस 10^-1 ई नॉट ऑफ सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0। तो ई सेल अपने पास कितना आ गया, ई सेल आ गया अपने पास ये माइनस का 1 तो प्लस का 0.0591, मींस डेल्टा जी यहां पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस रिएक्शंस के लिए डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग आर सेम है, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा इस रिएक्शंस के लिए, डेल्टा एच इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां पे अपने पास डेल्टा एच 0 हो गया और टेंट्रोपी कैसी रही होगी, पॉजिटिव रही होगी, तब ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो एंट्रोपी कैसा फोर्स है इसके लिए, ड्राइविंग फोर्स है। एंट्रोपी इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए स्टिमुलेट कर रही है, तो एंट्रोपी ड्राइव फोर्स हो गया। तो ऑप्शन सेकेंड अपने पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। For the racemization of an optically active substance, delta S is greater than 0. अगर अपने पास जैसे मान लीजिएगा CH3, CH2, CH3, CH,
Cl एंड CH3 H2O के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो रेसिमाइजेशन हो जाएगा, और रेसिमाइजेशन में इसमें अपने पास जो OH बनेगा, ये अगर सब्सटेंस अपने पास R था तो ये R और S का इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा, डेक्सोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी का इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा। और जब इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो अपने पास ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। NiH2O6En3En+H2O, ये अपने पास यहां एरो लगाना बेटा, 3En+H2O। यहां पे अपने पास क्या हो रहा है, Ni 4 पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन रहे हैं, 7 पार्टिकल बन रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सिंगल क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, +3 पॉजिटिव मार्किंग है, -1 नेगेटिव मार्किंग है। ओके डी स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे हैं, एटम एक्स ऑक्यूपाई द FCC लैटिस साइट एज वेज एल द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड इन सेम लैटिस, द पैकिंग एफिशिएंसी ओवर द रिजल्टेंट सॉलिड इज क्लोजेस्ट टू। डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस देख के लगता है कि ये अपने पास डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है। डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी हम क्लास में कैलकुलेट करते हैं, तो सेम एज पैकिंग एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी। डिस्कस करते हैं, सोल्व करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए बेटा इसमें, 8×4/3 πr³ हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। डी स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल वॉइड है तो अपने पास 2r = √3a/4 हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 8×4/3 πr³/a, की जगह क्या लिख देंगे, 8r/√3³। इससे अपन पैकिंग एफिशिएंसी सोल्व करते हैं तो नियर अबाउट 34% के आसपास आती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, थैंक यू आप लोग। CLC का हर मंडे को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको तैयारी करनी है, JEE में सिलेक्ट होना चाहते हैं, वो CLC के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है CLC के यूट्यूब चैनल पे, माई सेल पारसी देवाल, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। हमने फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन किया, अब सेकंड पेपर का सोल्यूशन हम करने वाले हैं, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के पार्ट का मैं यहाँ पे सोल्यूशन करने वाला हूँ। फर्स्ट पेपर में जितने क्वेश्चंस थे जो हमने देखे, उसमें 3 क्वेश्चंस को है ना मोल कंसेप्ट से उसने कनेक्ट किया। रिएक्शंस ऑर्गेनिक की थी बट उनमें फिजिकल को इन्वॉल्व किया है ना, मतलब कोई क्वेश्चन स्टाइक्योमेट्री बेस्ड भी था, कोई मोल के बेस्ड पे भी था, 3 क्वेश्चंस ऐसे थे। बाकी जो सेकंड पेपर जो ऑर्गेनिक का हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पेपर को अगर एनालिसिस करें तो यहाँ ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है। 2 क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं जो डायरेक्टली NCERT से आए हैं, बाकी पेपर ओवरऑल फर्स्ट पेपर से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन जो आए हैं वो सेकंड में आए हैं। सेकंड में एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आया कार्बोहाइड्रेट का, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई और बात स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम बात करते हैं स्टार्ट, ऑर्गेनिक वाले पार्ट का। सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर है, पहला क्वेश्चन है वो यहाँ भी 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है, क्वेश्चन को आप ढंग से रीड करें, पूछा क्या है इसमें, बहुत सिंपल सी बात पूछी है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सी बात पूछी है। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स, दैट मीन्स टेट्राइन बनेगा, 4 डबल बॉन्ड आना चाहिए, नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन, उस टेट्राइन में sp हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होना चाहिए, दैट कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, इस रिएक्शन सीक्वेंस से कितने बनेंगे। तो रिएक्शंस बहुत इजी है ना, ट्रिपल बॉन्ड है और Na लिक्विड NH3 दिया हुआ है, यू नो ट्रिपल बॉन्ड Na लिक्विड NH3, कुछ याद आ रहा है, ब्रिज रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन, ब्रिज
रिडक्शन। तो पहले ब्रिज रिडक्शन होगा, और ब्रिज रिडक्शन में क्या है मैं बता देता हूं आपको, एल्काइन का रिडक्शन करता है, और एल्काइन का रिडक्शन किस में करता है, एल्काइन का रिडक्शन करता है ट्रांस एल्कीन में, ट्रांस एल्कीन में रिडक्शन करता है। ठीक है, तो इसका मैंने इस पे डाला Na लिक्विड NS3, और यहां से मेरे पास बन गया ये वाला। ठीक है, ये ट्रांस ट्रांस है ना, ट्रांस हो गई, और इसके बाद Br2XS एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा देंगे, Br2 का एक्सेस में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो Br2 का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्सेस में, तो यहां पे Br आ जाएगा, यहां पे Br आ जाएगा, यहां पे भी Br आ जाएगा, और यहां पे भी Br आ जाएगा। फिर हमें दिया हुआ है एल्कोलिक KOH, तो एल्कोलिक KOH क्या है बताओ, डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है कि नहीं है बताओ, डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है कि नहीं है, डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है कि नहीं है। ओके, डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट का मतलब HBr को बाहर करेगा, कौन सा एलिमिनेशन लगने वाला है, E2 एलिमिनेशन लगने वाला है। स्टीरियो की यहां हमें बात करनी नहीं है, वो पॉसिबल प्रोडक्ट हमें देखने हैं कि कितनी टेट्राइन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां से H देखते हैं, इस Br में अगर मैं इसको अल्फा मानूं तो ये H हो गई, ये वाली बीटा, इसको अल्फा तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली H, ये बीटा, इसको अल्फा तो इसके रेस्पेक्ट में ये H, ये वाली बीटा है ना, और इसके रेस्पेक्ट में ये H, ये अल्फा और ये, तो ये HBr बाहर हुआ। ठीक है, यहां से इस H को मैं नीचे दिखा देता हूं, इस H को नीचे दिखा देता हूं, तो ये HBr बाहर हुआ, यहां से ये HBr बाहर हुआ, और यहां से ये HBr बाहर हुआ। तो आप देखिए प्रोडक्ट आपके पास क्या बनने वाला है ना, और ये वाला, तो एक डबल बॉन्ड तो यहां आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन को छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, और एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, और बोला भी तो है ना टेट्राइन बननी चाहिए, तो टेट्राइन बन गई। अब बोला पॉसिबल कोई कारण सेंटर जनरेट नहीं हुआ, बट यहां से ये डबल बॉन्ड एग्जिबिट GI, ये वाला क्या शो कर रहा है, एग्जिबिट GI, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो एक तो ये वाला फॉर्म बनेगा इसका, दूसरा ये वाला फॉर्म बनेगा है ना, और ये वाला, तो यहां मैंने रखा इसको Z में, और यहां रखा मैंने E में। तो पूछा कितना आपके पास टेट्राइन बनेगा, तो आंसर विल बी 2। ओके, इजी है, स्टीरियो लगानी है क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन में कंसीडर होगा, एनसीईआरटी की सभी रिएक्शंस कंसीडर हुई है। देखो पहले ओजोनोलाइसिस करवाया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाया, तो ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब आपके पास बना 2 CH3 CH2 CH2, और ये COH। उसके बाद दिया केमोनोफोर, केमोनोफोर, तो केमोनोफोर एल्डिहाइड का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2, चल जा भाई तू क्यों रुक रहा है, COH है ना। फिर यहां पे NaOH एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, NaOH और इलेक्ट्रोलाइसिस, पता है कौन सी रिएक्शन है, NCRT कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा एन हेक्सेन है ना, आता है ना कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना, तो CH3 CH2, ये CH2,
ये सी एच टू और ये सी एच टू और सी एच थ्री, ये आपके पास बन गया एन हेक्सेन। फिर इसकी रिएक्शन कराई सी आर टू ओ थ्री 770 और 20 एटीएम प्रेशर पे। एरोमेटाइजेशन रीफॉर्मिंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, ये भी एनसीईआरटी की है। तो यहां से जब आप इस पे रिएक्शन कराओगे Cr2O3 है ना, तो यहां पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन डालोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? बेंजीन में। अब बोला है कि द नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्मड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें कितने मिथाइलिन ग्रुप हैं? तो बताओ कितने हैं? यहां पे सी एच है, सी एच है, सी एच है, सी एच है, यहां भी सी एच है। क्या आपको कहीं मिथाइलिन ग्रुप नजर आया? नहीं आया ना, तो आंसर विल बी जीरो, जीरो आंसर आएगा। ओके, ये इजी रखते हैं क्वेश्चन को, इसको इजी है मिथाइलिन ग्रुप। पीछे वाले से इजी है, पीछे वाले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि बच्चे का अप्रोच नहीं होता है ना स्टूडियो पे, तब प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन को समझ जाते हो, जेई का पेपर आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ते हो तो क्वेश्चंस में ही उसके आंसर्स का थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं हिंट होता है कि आपको इस डायरेक्शन से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, आप ये सोल्यूशन देख रहे हैं सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। सीएलसी नॉर्थ इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है, जो जेई और नीट दोनों में पैरेलल काम करता है। ठीक है, तो और पैरेलल दोनों में पैरेलल काम करता है, साथ ही दोनों का रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। आप हमारी सीएलसी वेबसाइट सीएलसी यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे रिजल्ट्स के बारे में जान सकते हैं। आप सीएलसी की पेज पे जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ये स्टीरियो रिगार्डिंग आ गया। हाइड्रोकार्बन के पीछे पड़ा हुआ भैया, हाइड्रोकार्बन के पीछे पड़ा है द टोटल। इस कंसेप्ट का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, इसी कंसेप्ट का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है पहले, ये सेम रिएक्शन का। ओजोनोलाइसिस में हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर फॉर्मड, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, उसी पे सेम जेई ने वापस से चिपका दिया है। द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्मड फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ पी ऑन कंप्लीट ओजोनोलाइसिस। तो हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो सभी जानते हैं ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बना CH3 COH बन गया, इधर क्या बन गया C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन जुड़ेगी ना, तो ये वाला बन गया। फिर बाकी इधर ये यहाँ से तोड़ूंगा तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपके पास बना ये वाला है ना, और यहाँ ये एजिट है OH और ये H, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं इसकी, एक वो बन गया बीच में, ये बन गया, फिर यहां ऑक्सीजन आ गया, यहां से टूटा तो यहां ऑक्सीजन आ गया। ओके, तो इधर तो बना आपके पास वही ये वाला डबल बॉन्ड ओ, ये इधर से ये एच, ये एच सी एस थ्री लगा हुआ है जो भी है, ये ओ एच है, यहां भी सी एस थ्री है ओ एच, और इधर आपके पास बन गया एल डी हाइड, ठीक है। फिर यहां से ब्रेक किया मैंने ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, उधर से टूटा था दोनों तरफ ऑक्सीजन आया तो उधर बना C डबल बॉन्ड O, ये और C डबल बॉन्ड O, वापस से ये OH और ये CH3। फिर इसको हमने ब्रेक किया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो उधर आपके पास आया COH है ना, COH, और यहां पे ये H CH3, ये OH, ओके, और यहां से टूटा अपने पास COH, यहां तक आ गया ना, हाँ ठीक है, OH3 C डबल बॉन्ड और ये CO CH3, ये बन गया। इधर से टूटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो उधर से बीच में क्या बन गया, दोनों तरफ सेम ही बन गया अपने पास, बीच में तो यही बन गया डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O है ना, ये सिंगल बॉन्ड से दिखा देता हूं इसको, ये डबल बॉन्ड O और ये वाला H और ये OH। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर ये किसी बच्चे का गलत हुआ है तो सीरियसली उसने जेई की तैयारी ढंग से की ही नहीं,
जेई की तैयारी ढंग से की ही नहीं, मतलब ढंग से बात में बोलूं तो उसने बेसिक चीजों को भी नहीं समझाया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। ये ऑप्टिकली ये एक कायरल है, क्योंकि यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है। ये भी आपका एक कायरल है, यहां भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, बट इसमें ये वाला कायरल सेंटर हो गया। इधर कीटोन लगा हुआ है, इधर एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये कायरल हो गया। ओके, इसमें भी दोनों तरफ सेम ही लग गए, तो ये भी एक कायरल हो गया। बट इसमें बात करें तो वापस ये कायरल सेंटर हो गया, इधर एल्डिहाइड है, इधर कीटोन है, वो ग्रुप अलग है, तो ये कायरल हो गया। इसकी बात करें तो ये भी क्या हो गया, एक कायरल हो गया, और ये भी कैसा हो गया, एक कायरल हो गया। तो कायरल मॉलिक्यूल अपने पास कितने आए हैं, वो आए हैं दो, तो आंसर विल बी 02। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में हमारे पास ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस, ये मेटलर्जी का आ गया, ये वाला। हाँ, इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस करते हैं जेई वाले बच्चे, और ये भी होपफुली सबका सही हुआ होगा। तो करते हैं इसको, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो रिएक्शन सो लगा दो, प्रोडक्ट लगा दो, तो यहां से यहां कौन सी रिएक्शन हुई है, फ्रेडल क्राफ्ट। ओके 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 ओके, यहां से यहां जो रिएक्शन हुई है वो ये फ्रेडल क्राफ्ट। पहले रिएक्शन का मतलब समझे, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना, तो पी बना। उसके बाद पी में जो हमने बना ये वाला है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन SOCl2 से फिर RAlCl3। तो देखते हैं पहले ए क्या बनता है, तो AlCl3 ये यहां से टूटेगा है ना, ठीक है, और हमने इसको यहां से तोड़ दिया, और ये जाके इस पे क्या कर गया, अटैक कर गया। तो पहला कंपाउंड जो अपने पास बना ना, मैं बना रहा हूं, इधर से जुड़ा इस कार्बन से जुड़ा C डबल बॉन्ड O, CH2, ये CH2, ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, और इधर C डबल बॉन्ड O, यहां से H प्लस निकला था, O माइनस AlCl3 पे H सप्लाई हो गया, ये बन गया। ये वाला कंपाउंड है आपका P, P वाला कंपाउंड है ये, उसकी रिएक्शन करवाई जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl से, जिंक अमलगम HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है हाइड्रोकार्बन में, एसिड का मत करवाना, केवल उसका रिडक्शन होगा, CH2CO और ये OH, ये आपके पास बन गया, क्यों है ना। फिर इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 से, तो सबको पता है SOCl2 में क्या होता है, OH ग्रुप की जगह क्या सप्लाई हो जाता है, Cl सप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये Cl, फिर वापस ये आपका आ गया R, फिर इसकी रिएक्शन कराई वापस से AlCl3 से, तो वापस से फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कौन सी, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये Cl निकलेगा और ये इस पर अटैक कर जाएगा, तो फाइनली आपके पास आ गया ये वाला, है ना, ये आपका पास आ गया है S। अब इसकी रिएक्शन कराइए वापस से जिंक अमलगम HCl, ठीक है, जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन करवाइए, तो जिंक अमलगम HCl से कराइए तो वापस CO ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, वापस से वही क्लीमेंसन रिडक्शन, और फाइनली ये वाला आपके पास ए हाइड्रोकार्बन, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है हाइड्रोकार्बन है। अब इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी है आपको, कंपाउंड पी एंड क्यू आर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्यू में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कंपाउंड एस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, एस वाला कौन सा है, ये वाला, तो भैया बेंजीन रिंग डीकलराइज नहीं करती है, कीटोन डीकलराइज नहीं करता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, बट एरोमेटिक कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, या नहीं आएगा। कंपाउंड पी एंड एस रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव द करस्पोंडिंग ऑक्सिम, तो ये रिएक्शन किसकी है, हाइड्रोक्सिल एमीन और ऑक्सिम वाली रिएक्शन किसकी है, ये कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप H2NOH, ये H2 बाहर निकलता है
और यहां पे ये ऑक्सिम बनती है ना, इस कंपाउंड का नाम है ऑक्सिम्स। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पी पी कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सिम बनाएगा है ना, और एस एस में भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी ऑक्सिम बनाएगा। कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ऑक्सिम बना देगा, तो दोनों में ऑक्सिम बन जाएगा। ओके भाई, ठीक है, ये इससे पहले ये लोग अपना पूरा गायब हो गया। चलो सोलो मैंने कर दिया था, कंपाउंड आर रिएक्ट विद डाई एल्काइल कैडमियम। तो आर अपने पास, आर क्या आया था, आर ये वाला आया था, याद है कुछ, ये वाला डाई एल्काइल, ये वाला है ना। इसको मैं आर टू सी डी डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करूंगा, तो केवल पता है ना, एसिड हैलाइड डाई एल्काइल कैडमियम के साथ केवल क्या देगा, कीटोन देगा। ये लो, रिएक्शन यहां आके रुक जाएगी, ओनली गिव कीटोन, ओनली गिव कीटोन, बिकॉज इसका जो R- है ना वो कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्दर इसके साथ क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। अगर यही हाल आर एल आई देते था, ग्रिग्नार्ड एजेंट देते था, तो आगे अटैक कर जाता, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर हमने निकाल लिया, ये वाला सही था, ये वाला गलत था, तो आंसर इसका आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के, हाँ जी ये वाला इससे इजी पीजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, मतलब जेई मेन से भी इजी क्वेश्चन आईटी ने आपको दे दिया। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं हो सकता, ढंग से एनसीईआरटी पढ़ के गए हो ना तो भी ये क्वेश्चन सोलो हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेटमेंट आपको अबाउट पॉलीमर, पॉलीमर का इतना इजी क्वेश्चन है ना, नीट लेवल का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमर इज आर, द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव नेचुरल रबर, बिल्कुल नहीं देता साहब, गलत स्टेटमेंट है। क्लोरोप्रीन से पॉलीक्लोरोप्रीन बनता है जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रबर होता है। नेचुरल रबर के लिए हमें आइसोप्रीन से बनता है, किससे बनता है, आइसोप्रीन से बनता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्लोरोप्रीन गिव नेचुरल रबर नहीं, अगर यहां सिंथेटिक रबर लिखता तो सही होता, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। टेप्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोएथीन बाय हीटिंग विद परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर, सही बात है कि टेट्राफ्लोरोएथीन इसका पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और बनता है CF2, और ये वाली यूनिट बार बार रिपीट होना स्टार्ट होती है, इसी का नाम टेफ्लोन है। ये स्टेटमेंट सही है। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, डेफिनेटली सही है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। एथीन एट 350-570 केल्विन टेम्परेचर एंड 1000-2000 एटीएम प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड इनिशिएटर वेरी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, गलत हो गया ना, कौन सी आती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन आती है, कौन सी आती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन आती है, तो गलत हो गया। तो इसका आंसर 2 और 3 पूरे जेई के पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट सेक्शन 3 की बात करते हैं, यहां पे इंटीजर क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में ऑप्शन की बात करेंगे, सॉरी इंटीजर नहीं है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको समझाऊंगा, आप समझना, मैंने ऑलरेडी क्लासेज वगैरह में डिस्कस किया, अगर आपने ढंग से मेरी क्लास ली है पूरी प्रॉपर, तो ये क्लासों में मैंने हर क्लास में डिस्कस किया, जेई के हर बैच में मैंने इसकी रिएक्शन को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट बोला आएगा आएगा और आया है एग्जाम में। तो देखो क्या है रिएक्शंस, सुनना बात को, अभी आपको मैं याद होगा कि मैंने कैसे बोला था, ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विथ एक्वस एनिओएच रिजल्ट इन ए मिक्सर ऑफ मोनोसेकेराइड विच आर। ठीक है, तो आंसर तो पहले टिक, बाद में टिक करते हैं, पहले इसका सोल्यूशन करते हैं है ना। डी ग्लूकोज, देखो ये जो रिएक्शन होगी ना वो होगी, यही बता देते हैं आपने, मैंने आपको ये किया पढ़ाया, लोब्री डी ब्राइन है ना, एक्सटीन रीअरेंजमेंट, हर क्लास में पढ़ाया हुआ है, एक्सटीन रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट में मैंने क्या बोला था कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज मेनोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, हैव इक्विलिब्रियम
इन बेसिक मीडियम. ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मेनोज हैव इक्विलिब्रियम इन बेसिक मीडियम. आपको बेसिक मीडियम ही दिया हुआ है, डी ग्लूकोज पे बेसिक मीडियम डाला तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा मेनोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज के साथ. तो इसमें आप देखो, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये ग्लूकोज है ना, ये वाला फ्रक्टोज है और ये वाला आपका मेनोज है. तो आंसर तो जाएगा ना, वो जाएगा थर्ड. आंसर की बात नहीं है, इसको समझाना है मुझे. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हर क्लास में डिस्कस किया हुआ था, होपफुली सभी बच्चों का सही हुआ होगा. तो पहले इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या हुआ है, कैसे हुआ है. तो आंसर मैंने बोल दिया, आंसर इसका थर्ड आएगा, बट एक बार देख लेते हैं वापस से, है ना, मैकेनिज्म वगैरह देख लेते हैं इसकी क्या हुआ है. तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ग्लूकोज, डी ग्लूकोज आपके पास ये था CHO, चल जा भाई CHO, चले यार ये टेक्निकल काम चलेगा 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 CHO CH2OH OH डी ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज. अब मैं क्या करता हूं, है ना, ये डी ग्लूकोज है. अब आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है, चलो ठीक है. अब देखना सुनना, ये वाला CHO है ना, और ये CH2OH, OH उधर गया, H इधर रह गया, बाकी ये H OH, ये है डी मेनोज. तो यहां पे और CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, OH, ये है आपका डी फ्रक्टोज. इनमें कॉमन चीज है, ये वाला नीचे वाला शुरू के दो कार्बन को छोड़ के नीचे वाले कार्बन पे सब पे कॉन्फिगरेशन सेम है. देख लो, फर्स्ट टू कार्बन को छोड़कर नीचे वाले कार्बन पे कॉन्फिगरेशन सेम है. तो बेसिक मीडियम में होता क्या है, अब मैं समझा रहा हूं बेसिक मीडियम में होता क्या है, समझना कि ये वाला एलडीआईडी ग्रुप है, डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, डी ग्लूकोज बना रहा हूं, यहां पे कार्बन है H है और ये OH है, है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, टोटोमराइज होगा एक्वस बेसिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट होगा इसमें COH, ये H डबल बॉन्ड कार्बन, ये OH. अब ये इन डाइवोल बन गया. अब यहां से ये दो वे में जा सकता है. अगर ये वाला ओपन हुआ, ये इनोल से कीटो की तरफ गया, तो ऊपर तो हो गया CH2OH, नीचे हो गया CO, और ये स्केलेटन किस में आया, फ्रक्टोज में, है ना. और अगर ये ऊपर वाला ओपन होता हो, ये वाला, और यहां OH दोनों साइड आ सकता है, इस साइड भी OH आ सकता है, उधर H आ सकता है, H जो आएगा ना, H, ये जो H आएगा, ये दोनों साइड आ सकता है, तो वहां C डबल बॉन्ड OH जनरेट हुआ. ये जो H आएगा वो इधर आएगा, या तो ये आएगा या फिर C डबल बॉन्ड OH इस साइड आ सकता है. अगर H OH इस साइड आया तब तो बन गया डी ग्लूकोज, ये तो बन गया डी ग्लूकोज, है ना. और अगर इस साइड आया तो ये बन गया डी मेनोज. मतलब तीनों बेसिक मीडियम में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में. दिस इज कॉल्ड लोब्री डी ब्राइन एक्सटीन रीअरेंजमेंट. तो ये तीनों ऑप्शन कहां है अपने पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड में अपने पास ये ऑप्शन है. ओके, ये तो बड़ा मिस्टेक कर रहा है. ऑप्शन नंबर थर्ड में अपने पास ये ऑप्शन है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर. ठीक है, होपफुली क्वेश्चन का सोल्यूशन, हमने जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ऑर्गेनिक से रिगार्डिंग, वो सारे सोल्व हमने कर लिए हैं. ठीक है.
होपफुली आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, पेपर के सॉल्यूशन को आपने एंजॉय किया होगा। और जेई का पेपर बनाने का कंसेप्ट ये कहता है कि बेसिक चीजें सब एनसीईआरटी से आएगी, बस केवल वो आपका आईक्यू चेक करना चाहता है कि आप कितनी चीजों को कनेक्टिविटी करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक के साथ कनेक्ट किया उन्होंने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिजिकल के साथ कनेक्ट किया, फिजिकल को भी ऑर्गेनिक के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो वही बच्चा पेपर क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है जिसके तीनों पार्ट केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, तीनों पे जिसकी होल्डिंग है, ठीक है। और फिर भी आपका अगर स्कोर अच्छा नहीं हुआ है और आप ट्वेल्थ के साथ तैयारी कर रहे हो और आपको अभी एक चांस और बचा हुआ है, तो आपको आप सीएलसी ज्वाइन कर सकते हो। हर मंडे को हमारा नया बैच स्टार्ट होता है, सीएलसी नीट और जेई दोनों में पैरेलल बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, टीम सीएलसी। अपन अब बात करेंगे किसके बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पहला पेपर अपन कर देख चुके हैं, सेकंड पेपर के लिए बात करें। द रिएक्शन ऑफ द जीनोन एंड O2F2 गिव ए जीनोन कंपाउंड पी, जीनोन कंपाउंड पी, द नंबर ऑफ मोल ऑफ HF प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ वन मोल ऑफ पी। देखिए बेटा, जीनोन की रिएक्शन, जीनोन की रिएक्शन अपन O2F2 से कराते हैं, जीनोन की रिएक्शन अपन O2F2 से कराते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, जीनोन F4 का फॉर्मेशन होता है। किसका? जीनोन F4। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, P हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लस अपने पास O2 बन जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट अपने को कोई मतलब नहीं है। इसमें बात करें कि जीनोन का कंपाउंड क्या बनता है, जीनोन F4 बनता है। अब इसका आगे क्या कह रहा है, हाइड्रोलाइसिस करना होगा अपने को। जीनोन F4 है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब बेटा जी, इसको बैलेंस करके आप करोगे तो काफी हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए अपन बैलेंस नहीं करके अपन सीधा सीधा इसको देख लेते हैं कैसे बात करेंगे। देखिए सीधे सीधे बात करें, देखो इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, वैसे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, जीनोन प्लस जीनोन O3 प्लस HF प्लस O2 का फॉर्मेशन होगा। अपने को ओनली क्या चाहिए, HF चाहिए। बेटा देखिए यहां पर HF कहां से आएगा, यहां पर HF हमने पास यहां से ही आएगा, फ्लोरीन यहां से ही आएगा। तो कितने फ्लोरीन है यहां पर, चार फ्लोरीन है, तो एक मोल का अगर अपन यूज करेंगे तो कितने मोल, 4F अपने को मिल जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 04। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अगर इस फिजिकल केमिस्ट्री को मिक्स करोगे तो हार्ड हो जाएगा ये आपके पास, बैलेंस करने वाले रिएक्शन में आपको दिक्कत आएगी। सीधे देखें यहाँ कितने हैं, चार है, तो उधर कितने HF मिलेंगे अपने को, चार ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपना इसमें आंसर आ गया 04। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूस टू पैरामैग्नेटिक गैसेस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABMO में इलेक्ट्रॉन बताने हैं अपने को। ऑफ द गैस दैट हैज द हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बेटा देखिए यहां पर भी एक बात क्वेश्चन छिपा हुआ है, हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उस गैस के एंटी बॉन्डिंग में बताने हैं जिसके हायर अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी हायर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो अपन थर्मल डिकम्पोजिशन करें AgNO3, अपने को पता है AgNO3 का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है Ag प्लस NO2 प्लस O2 में टूटता है। अब NO2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो O2 के लिए अगर अपन देखें कि इसका डायग्राम देखें तो अपने को डायग्राम कैसा मिलेगा, इसके इसके एंटी बॉन्डिंग में बताने हैं 1, 2, 3, 4, और यहां देखें इसके, ये इसके ऊपर बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग है, स्टार ऑर्बिटल है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है और ये भी एंटी बॉन्डिंग, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो फिल करेंगे अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। अपन देखें एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, 2, 4 और 2, 6, तो अपना आंसर इसमें आ जाएगा 06। तो दोबारा सुन लीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन करना है एक क्वेश्चन में, इसने तीन क्वेश्चन पूछ लिया आपको, AgNO3 को ब्रेक किया अपने, Ag प्लस NO2 प्लस O2 बनता है, फिर उसने पता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब आपको डायग्राम भी आना चाहिए किसका, इनके बारे में, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ गैस दैट हैज द हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और साथ में ये देखना अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एक बार पूछा गया था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया था, तो उसमें अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था आपका आंसर आ जाता 03, परंतु इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सी गैस में,
अपने जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, किसमें है, O2 में, तो अपना आंसर आ जाएगा 06। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं अपन, ये सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो गया है, ये फिजिकल का था अपने, ये फिजिकल का है, ये अपना आ गया, द कंपाउंड विच रिएक्ट विद एमोनिया, अमोनिया एंड द बोरोन नाइट्राइड। देखिए बेटा, इसमें कुछ रिएक्शन तो अपने पास किसमें है, एनसीईआरटी में है, और कुछ रिएक्शन एनसीईआरटी से बाहर है। वैसे ये बोरोन की अपन रिएक्शन कराएं, किससे, नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएं, तो अपने को BnX मिल जाएगा, मतलब इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, तो ये तो देगा। नेक्स्ट बात करें B2S6, ये तो फेमस अपनी रिएक्शन है, तो अपन बात करें B2S6 प्लस अमोनिया क्या बन जाएगा अपने पास, हाई टेम्परेचर ले लें, एक्सेस अमोनिया ले लें, कुछ नहीं बोला अपन, एक्सेस ले लेंगे, ये भी बना देता है इसमें क्या, BnX का फॉर्मेशन कर देता है, सेकेंड आंसर भी अपना आ गया। थर्ड आंसर देखें अपन, B2O3 की रिएक्शन अपन किससे कराएं, अमोनिया से कराते हैं, तो यहां भी अपने को क्या मिल जाता है, BnX का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, BnX का फॉर्मेशन अपने पास हो जाता है। फोर्थ में अपन देखें तो ये क्या बना हुआ, किससे बना हुआ बेटा, ये HF+BF3 की रिएक्शन से बना हुआ है, किसकी, HF+BF3 की रिएक्शन, तो अपन यहां देखें तो ये HBF4 है, तो ये ऐसे पर ये एसिड है एक, ये H+ दे देगा अपने वो, अमोनिया पड़ी है, अमोनिया से रिएक्शन करके क्या अपना अमोनियम सॉल्ट बना देगा, तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास, क्या, NH4+ और BF4- का फॉर्मेशन हो गया, तो ये नहीं देगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट बात करें, ये भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, मेटलर्जी से क्वेश्चन आया है, इस बार मेटलर्जी से काफी क्वेश्चन आए हैं। द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स और इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर रेंज दे दी बेटा, टेम्परेचर रेंज दे दी इसने। देखिए सबसे पहले अपन इसमें ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए NO2 अपन ने आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ा है, उसमें NO2 कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल रॉन्ग हो गया। कोक कन्वर्ट CO2 to CO, बिल्कुल ये 900 से 1500 केल्विन के बीच में रिएक्शन कराते हैं अपन, तो कोक CO2 से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO का फॉर्मेशन करता है, ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल NCERT की लाइन उठा के ये आंसर क्वेश्चन दिया गया बेटा। पिग आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फ्यूरेंस इज कंटेनिंग अबाउट 4% कार्बन, बिल्कुल पिग आयरन जो ऑप्टेन होता है उसमें 4% क्या होता है, आयरन होता है। लाइमस्टोन इज यूज टू रिमूव सिलिकेट्स इंप्योरिटीज, बिल्कुल सही बात है, लाइमस्टोन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में। ये बेटा जी इसमें इंप्योरिटीज किसकी होती है, SiO2 की होती है, इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CaSiO3 का फॉर्मेशन कर लेता है, CaSiO3 का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना बिल्कुल राइट है, तो अपना आंसर आ गया 1, 2 एंड 3। ये तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि NO2 बिल्कुल इसमें नहीं आता, ठीक है, NCERT से बिल्कुल लाइन उठा के दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये तो ये भी पॉलीमर ऑर्गेनिक का आ गया। नेक्स्ट सेक्शन 3 आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, रिएक्शन ऑफ HClO3 विल HCl गिव ए पैरामैग्नेटिक गैस विच अपॉन रिएक्शन विद O2 O3 प्रोड्यूस। देखिए बेटा ये रिएक्शन NCERT में नहीं दे रखी अपने को, क्या रिएक्शन है, HClO3+HCl। इसमें देखिए बेटा, इसमें माइनस में और इसमें प्लस 5 में, इसमें प्लस 5 में इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है। रिएक्शन कराने के बाद में एक चीज ध्यान रखना आप, जब भी दो सेम एटम की रिएक्शन कराई जाती है, जब भी दो सेम एटम की रिएक्शन कराई जाती है तो उनके कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है। जैसे आप NO2 एंड NO की रिएक्शन कराए तो N2O3 बनता है, तो यहां भी देखिए इन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अभी फिलहाल जो रिएक्शन करा रहे हैं उसमें ये हो गया,
तो यहां पहला प्रोडक्ट अपने को जो पैरामैग्नेटिक गैस के बारे में बात करना, पहले मैं उसकी बातें कर रहा हूं, मतलब इसमें दोनों में से क्या होगा, ये दोनों होंगे। सीधी सी क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना कि गिव ए पैरामैग्नेटिक गैस, ये पैरामैग्नेटिक गैस देता है। वैसे भी आप देखो इन तीनों में से कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसके लिए बात करें यही पैरामैग्नेटिक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ClO2 बन गया। विच अपॉन रिएक्ट विद ओजोन प्रोड्यूस, जो किससे रिएक्शन करके, ओजोन से रिएक्शन करती है, किससे रिएक्शन करती है, ओजोन से रिएक्शन करती है, तो अपन ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो इसकी क्या बन जाता है बेटा, इसका आगे और ऑक्सीडेशन हो जाता है, ClO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ClO3, ClO3 में क्या पड़ा है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसलिए अनस्टेबल होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ClO6 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ClO6 में, तो अपना आंसर आ जाएगा थ्री, आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, थ्री अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर अपने को यहां से पहचान कर ली, अपने पैरामैग्नेटिक गैस देता है तो इनके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड बनेगा, कौन कौन बन सकता है, ClO2 होता है, Cl2O होता है, ठीक है, ये होते हैं, ClO3 होता है, परंतु वो नहीं बनके क्या बन रहा है, ClO2 बनेगा, अपने को पता है क्योंकि यही पैरामैग्नेटिक है, इनके बीच में इंटरमीडिएट, और यही आगे ओजोन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ClO3 बना लेता है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो डाइमर बना के किसमें चेंज हो जाता है, जो डाइमर बना के ClO6 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ClO6, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिएक्शन ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूस PPT। देखो Pb ये अपने सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन है, सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन है, अपने फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें बात करते हैं अपन PbNO3 की रिएक्शन किससे, NaCl वाटर में कराई जाती है, तो अपने को PbCl2 की व्हाइट पीपीटी मिलती है, किसकी, PbCl2 की व्हाइट पीपीटी अपने को मिलती है, ये व्हाइट पीपीटी मिल जाती है, कैन दैट डिसॉल्व अपॉन द एडिशन ऑफ वॉट HCl ऑफ, अपन बात करते हैं वैसे तो PbCl2 हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसको अलग करने का अपने मेथड अपन ने पढ़ा हुआ है, परंतु ये कह रहा है कि HCl से बात करता है, HCl से रिएक्शन करता है, अपने को पता है HCl के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा क्या, PbCl4 माइनस टू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा थर्ड। ये ऑर्गेनिक का तो अपना सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पेपर तुलनात्मक रूप में फर्स्ट पेपर के कंपेयर में थोड़ा इजी था, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।